हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये सेट नंबर 2 है। इंग्लिश का पेपर हुआ था क्लास 12th का। ठीक है, तो आपका पेपर कैसा रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं जो है जो भी सेट्स हैं, ठीक है, जो सेट 1 सेट 2 है ना, तो उसकी जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और तीनों में से आपका सेट कौन सा जो था वो आया बताना चाहे बता सकते हैं। बाकी रही बात सॉल्यूशन की, तो मैं पैसेज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रही बात जो है राइटिंग में, तो देखो किसी के बच्चे में आया था इनवाइट करने के लिए, किसी में जो है एक्सेप्ट करने के लिए आया था। तो यहाँ पर तो आपको राइट लेटर ऑफ इनविटेशन लिखना था, आपको इनवाइट करना था। ठीक है, तो यहाँ था मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल थे, पुष्पा और पुष्पा फार्म्स कोलकाता। बहुत आसान था, मुझे पूरी उम्मीद है सबसे सही किया होगा। राइट अ लेटर ऑफ इन्विटेशन लिखना था आपको, तो सोनाक्षी को, उनकी नीज को लिखना था और डिटेल देनी थी, डेट टाइम वगैरह। ठीक है, आपको इनवाइट करना था। फिर जॉब लेटर आपका आया था, और दो में से आपको एक करना था। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक आनी थी रिपोर्ट, एक आना था लेटर, तो आपने रिपोर्ट या लेटर दोनों में से एक किया होगा। फिर आपके बुक के क्वेश्चन आंसर थे, आपके क्वेश्चन आंसर कैसे रहे, कितना आसान था आप बता सकते हैं। और देखो जस्टिस ऑफ द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट, कितना ईजी क्वेश्चन दिया। ठीक है, ऊपर की कुछ लाइनें होती हैं, डिट्टो है ना, कुछ इस तरीके से। और अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा रहा आपका कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स।